हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स ए गुडान। गाइस, आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी होती है, ये तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये हमारे तीन कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को रन करने में या सिस्टम को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमारे पास आ जाते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके डिवाइस ड्राइवर्स, आपके जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एटसेट्रा, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मैं अगर बात करूं तो इसका जो मेन काम जो होता है वो सिस्टम को रन करना या उसको कंट्रोल करना नहीं है। इसका मेन काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कि सिस्टम की को हेल्प करना उसकी मेंटेनेंस में, यानी कि जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी होगी वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे हमारा एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है? सिस्टम को मेंटेन करता है ना, उसके अंदर कोई भी वायरस है उसको रिमूव करता है। ठीक है, दूसरा कंप्रेशन टूल्स, जितने भी कंप्रेशन टूल्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि विनजिप, विनजार, ठीक है, तो ये सेवन जिप, ये क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं डेटा को, तो इससे भी आपके सिस्टम को हेल्प मिलती है। दूसरा डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? ये भी जो एलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस हैं उनको एक साथ कंटिन्यूस फॉर्म में रखता है और जो फ्री स्पेसेस हैं उनको एक साथ में रखता है ताकि इजीली स्टोरेज हो सके। तीसरा, चौथा इसमें आ जाता है आपका डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या करते हैं? जो काफ़ी देर से यूज़ नहीं हो रही है, जो एप्लीकेशंस या जो डेटा बार बार रिपीटेड हुआ है तो उसको आप क्या करता है? डिस्क क्लीनर इरेज कर देता है, कैश को इरेज करता है। तो ये सारा काम जो है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं ये सारी एप्लीकेशंस। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो एक्चुअल में यूजर के लिए काम देते हैं, जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जितनी भी एप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है कि कौन सा जर्नल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कौन सा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या स्पेशल पर्पज जिसको बोलते हैं। देखिए, जर्नल पर्पज वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या नेट से किसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो जर्नल पब्लिक के लिए अवेलेबल है और वो आपके लिए कुछ जर्नल काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। वहीं अगर मैं कस्टमाइज्ड या स्पेशल पर्पस की अगर मैं बात करूं तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इजिली डाउनलोडेबल नहीं होते, जिसको यूज लोग जो हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही करेंगे, सिर्फ एक ही यूज के लिए वो उसको करेंगे, उसमें पूरा पैकेज आपको साथ में नहीं मिलता और ये इजी डाउनलोडेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वो एक पर्टिकुलर आदमी की नीड के मुताबिक ही या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं,
तो उसका यूज सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन करती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या रिजर्वेशन सिस्टम, इसका यूज सिर्फ कंपनीज ही करेंगी ना, आम लोगों के लिए इसका कोई काम नहीं है ना। तो इसके अंदर फीचर्स भी उसी कंपनी के अकॉर्डिंग ही रखे जाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के उनको हैंडओवर कर देगा उनकी नीड के मुताबिक, जनरल लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंस नॉर्मल जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और आपके जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर में। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बोलता ये है कि इनमें से कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है एंटीवेयर वायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। वहीं स्प्रेडशीट हो गया, मल्टीमीडिया टूल्स हो गए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं आगे, द लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर बोल लो या लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल लो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर आप देख सकते हो आपके पास तीन कैटेगरी के पाए जाते हैं। इसमें आ जाता है बच्चे आपका कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, ठीक है, एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो मेन काम जो होता है वो, क्योंकि प्रोग्राम्स जो भी लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो भी बनते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाए गए होते हैं, तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि उन लैंग्वेज में लिखे हुए सॉफ्टवेयर को एक मशीन कोड में चेंज कर सके, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर सके, जिसको आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके देता है। तो यहां पर हमारे पास तीन किस्म के आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसर पाए जाते हैं। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। देखिए कंपाइलर जो होता है ना, ये एक साथ पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके उसका ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड में चेंज कर देगा एडवांस। वही इंटरप्रेटर का भी यही काम है, ये भी क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं, लाइन बाय लाइन। आप प्रोग्राम इसमें जब भी चेक होगा तो लाइन बाय लाइन चेक होगा और लाइन बाय लाइन उसकी कन्वर्जन होती जाएगी, किसमें, बाइनरी कोड में या मशीन कोड में। ठीक है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, कंपाइलर पूरा एक साथ पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड में चेंज कर देता है। वही असेंबलर का जो इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करने में किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे पूछा जाता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर डेट कन्वर्ट द इंटायर सोर्स कोड रिटन इन हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है या लैंग्वेज प्रोसेसर है जो एक साथ पूरा का पूरा कोड मशीन कोड में चेंज कर देता है, तो उसका आंसर है कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ, असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो डिबगर तो इसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर होते हैं, जो बग्स होते हैं, उनको फाइंड करने में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कंपाइलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पूछा गया है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। अभी मैंने आपको समझा दिया था पूरा का पूरा ट्रांसलेटर्स के बारे में कि इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन जो है सोर्स कोड को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो यहां पे लाइन बाय लाइन के लिए पूछा है तो यानी कि इंटरप्रेटर इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच लैंग्वेज इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। देखिए हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती है ना, कुछ लैंग्वेज जो होती है
वो कंपाइलर को सपोर्ट करती हैं, यानी कि कंपाइल्ड लैंग्वेज मानी जाती हैं। कुछ लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज मानी जाती हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटेड मानी जाती हैं, ठीक है। अब कंपाइल्ड लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है सी, सी प्लस प्लस, कोबोल एटसेट्रा, ठीक है। ये कंपाइल्ड मोस्टली जो आपकी काफी साल पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं वो मोस्टली कंपाइलर सपोर्टेड थी, उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, यानी कि सी, सी प्लस प्लस और कोबोल जो है ये कंपाइल्ड है। वही इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इसमें जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस चल रही हैं आजकल, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट और साथ में आपकी जो क्या कहते हैं पीएचपी, तो ये सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। वही कुछ ऐसी लैंग्वेज भी होती है, कुछ नहीं बस एक ही है, उसका नाम है जावा। जावा क्या करती है कि वो दोनों को सपोर्ट करती है, जावा कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। तो यानी कि पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है, तो राइट आंसर जावा। सी प्लस प्लस तो सिर्फ कंपाइल्ड है, पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड है, कोबोल भी ये भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, जावा। जावा जो है ये दोनों को सपोर्ट करती है, ये कंपाइल्ड भी होती है और इंटरप्रेटेड भी होती है, यही एक लौती एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देखिए मैंने आपको पूरा समझा ही दिया पूरा कॉन्सेप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का, तो क्वेश्चन देखो कितने इजी हो गए। यहां पे पूछ रहा है कि कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने अभी बोला पाइथन जो है ये आपकी इंटरप्रेटेड है, सी, सी प्लस प्लस और कोबोल ये कंपाइल्ड लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटर एडिड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडिड डिजाइन, ये मोस्टली आर्किटेक्ट यूज करते हैं डिजाइन बनाने के लिए, मैप्स बनाने के लिए, या कुछ 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना है तो उसके लिए ये काम आता है कंप्यूटर एडिड डिजाइंस। वहीं कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं बेसिकली। क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको कोई ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें कोई भी इंसान का रोल नहीं हो, वो ऑटोमेटिक काम करे थ्रू सॉफ्टवेयर, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर से की जाती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है, ऑटोमेटिक काम किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। यूटिलिटी में तो ये नहीं होंगे ना, क्योंकि ये यूजर्स के लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंडिंग द फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स एंड बग्स इन ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज ए प्रोसेस दैट इज टर्म्ड एज। देखिए जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी बग्स हैं, जितने भी डिफेक्ट्स हैं, जो एरर पाए जाते हैं, उसको डिटेक्ट करना वाले प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए टेस्टिंग जो होती है ना, टेस्टिंग बाद का प्रोसेस है, इसमें एरर फाइंड नहीं करते, इसमें हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं कि वो सच में काम कर रहा है ठीक तरीके से या नहीं, लेकिन एरर फाइंड करने उसको डिबगिंग बोला जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग तो आपको पता है, इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटर करता है और कंपाइलर कंपाइलिंग करता है। आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, यूजर उसे यूज करता है, ठीक है। तो भाई एमएस वर्ड को यूजर यूज करता है, गूगल को भी यूज करता है, एडोब भी यूजर के लिए है, लेकिन टर्बो सी कंपाइलर जो है ये यूजर के लिए नहीं है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, ये कंपाइलर है, ये सी लैंग्वेज को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में। तो राइट आंसर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो है टर्बो सी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने बताया जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज नाउन एज इंटरमीडियरी सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। देखिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
वो एक किस्म का इंटरमीडियरी का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। देखिए आपके फोन्स लैपटॉप्स में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर इंस्टॉल रहता है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके आप उस ना ही लैपटॉप को यूज कर पाओगे ना ही उस फोन को यूज कर पाओगे। तो डैट मीन्स कौन सा एक इंटरफेस का काम करता है, एक इंटरमीडियरी का काम करता है, तो राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। यहां पे विच टर्म्स रेफर्स टू वन आर मोर एरर दैट अकर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड स्टॉप देम फ्रॉम फंक्शनिंग। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक या एक से ज्यादा एरर अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जो कि उस प्रोग्राम को एक प्रॉपर वे में काम करने से रोकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बग। ठीक है, डिबगिंग करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी छोटा मोटा एरर आता है तो उसको बोलते हैं बग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बग जो होता है वो इसका आंसर। आगे डिवाइस ड्राइवर। देखिए बहुत से बच्चों को डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि एक हायरार्की मैं डिजाइन करता हूं यहां पे जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, वो ये है। देखिए बच्चे यहां पे देखिए सबसे नीचे जो रहता है, पहले मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, यहां पे स्पेस आ गई। हाँ देखिए अब हम किसको समझने जा रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर की वर्किंग, कि डिवाइस ड्राइवर क्या करता है। ठीक ठीक है, देखो नीचे सबसे होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपके क्या क्या आ गए, आपका माउस आ गया, ठीक है, आपके कीबोर्ड आ गए, आपके मॉनिटर्स आ गए, स्पीकर्स आ गए, सीपीयू आ गया, मेमोरी आ गया, जो भी चीजें आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में लाई करती हैं वो सारी इसमें आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो होता है आपका वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आती है बारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं OS लिख रहा हूं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आती है बारी किस किस की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितनी भी एप्स हैं और साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अब इन सबको के ऊपर आ जाते हैं आपके यूजर्स। ठीक है, क्या आ जाते हैं, यूजर्स। देखिए मान लीजिए कि एक यूजर ने कैमरा को यूज करना है फोन पे। ठीक है, कैमरा, कैमरा क्या है, आपका हार्डवेयर। अब आपके फोन के अंदर कैमरा की एप्लीकेशंस होती हैं, सभी फोन में होती हैं आजकल, तो आप क्या करते हो कि उस कैमरा का जो आइकन बना हुआ है, जो एप्लीकेशन है, उसको आप स्टार्ट करते हो, उसको आप ओपन करते हो। तो जैसे ही आप उस ऐप से, क्योंकि यूजर किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है, एप्लीकेशंस के थ्रू, कौन सी एप्लीकेशन, कैमरा की एप्लीकेशंस। अब वो एप्लीकेशन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, एप्लीकेशंस, वो जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि दूसरे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर, उसको वो क्या करता है, उसका यूज करके एप्लीकेशंस के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको बाइनरी कोड में, यानी कि मशीन कोड में चेंज करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन मशीन कोड की फॉर्म में किसके पास जाती है, डिवाइस ड्राइवर के पास जाती है, और डिवाइस ड्राइवर फर्दर वो काम किससे करवाता है, कैमरा से, और इस तरीके से आप कैमरे को एक्सेस करते हैं। यानी कि डिवाइस ड्राइवर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो माना जाता है ना कि सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बिना डिवाइस ड्राइवर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर जो है ये इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, ठीक जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो आई होप कि डिवाइस ड्राइवर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू पे। पूछा गया है डिवाइस ड्राइवर इज ए पोर्ट दैट कनेक्ट्स द डिवाइस एंड द सिस्टम। देखिए पोर्ट तो नहीं है,
ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर. तो ये हमारा राइट आंसर आ गया. डिसकंप्रेशन तो ये करता नहीं है, ठीक है, और डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी नहीं करता, ये दोनों तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है. तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करता है या इंटरफेस का काम करता है. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर. देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिसको आप इजिली डाउनलोड नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता के लिए वो नहीं बनाए जाते हैं. तो इसमें रिजर्वेशन सिस्टम, ये आपका स्पेशल पर्पज हो गया. अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है, ये भी आपका स्पेशल पर्पज हो गया. वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग तो जनरल पर्पज है, इसको तो आप इजी डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी. तो यानी कि ये आपका राइट आंसर. और रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ये भी आपका स्पेशल पर्पज है. तो हमने ये फाइंड करना था कि कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है. तो नहीं वाला कौन सा केस आ गया यहां पे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड. अच्छा, अब यहां पे ये पूछा गया हुआ है, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसमें से किस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते. देखिए, DBMS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट्स यानी कि आपका जो MS Excel है, ठीक है, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS Word, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. लेकिन MS DOS तो बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में थोड़ी ना आएगा. तो राइट आंसर कौन सा है आपका, राइट आंसर MS DOS. क्लियर हो गया. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. अगला एमसीक्यू ये पूछता है, विच प्रोग्राम इज यूज टू कंट्रोल द सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज. ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम्स जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है. मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस्टम एप्लीकेशंस जो होती हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सिस्टम को रन करने में और उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यानी कि यही पूछता है कि कौन करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल. तो राइट आंसर आपका आ गया सिस्टम प्रोग्राम्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू. डैश रन्स अंडर द सिस्टम प्रोग्राम्स एंड आर मेड टू डू ए स्पेसिफिक टास्क. यानी कि देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम. अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या इंस्टॉल करते हो, अपनी एप्लीकेशंस. तो राइट आंसर क्या है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो इसको ये किसके कंट्रोल के अंदर काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंट्रोल के अंडर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के अंडर. और ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करके देते हैं. अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपका वो आता है, द डैश इंक्लूड्स अ प्रोग्राम दैट डू रियल वर्क फॉर द यूजर. देखिए, एक्चुअल में काम कौन करता है, इसलिए इसका जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ये आपका होमवर्क है, इसलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. बढ़ते हैं 16 का, ठीक है. तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कौन से प्रोग्राम है जो कि असल में काम करते हैं यूजर के लिए. ठीक है, ध्यान से करिएगा. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. एमसीक्यू नंबर 17, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको सबसे पहले ही बताया था मैंने, सबसे पहले बात ही इस पे की थी. ऑपरेटिंग सिस्टम भाई आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब यहां पे एमसीक्यू नंबर 18 पे चलते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज निमोनिक्स आर यूज सम इंग्लिश शॉर्ट वर्ड्स लाइक एड सब मूव. देखिए, सबसे पहले जो होती थी वो आपकी मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी आमतौर पे, उसको उसके थ्रू प्रोग्राम बनाना, क्योंकि 0101 में प्रोग्रामिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं थी. तो फिर प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए एक असेंबली लैंग्वेज बनाई, यानी कि उसमें कुछ कोड्स जो होते थे, कुछ निमोनिक्स, कुछ शॉर्ट वर्ड्स इंग्लिश के, वो यूज किए गए थे. यानी कि ऐड करने के लिए
उनको बार बार उसको बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती थी, उन्होंने पहले से ही कुछ फिक्स सिंबल का यूज किया जा रहा था ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। तो ये सारे निमोनिक्स जो हैं ये असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज निमोनिक्स, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। What do you call a program in execution? कह रहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जैसे ही प्रोग्राम लोड होता है सीपीयू में, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस दौरान उस प्रोग्राम का नाम बन जाता है प्रोसेस। ठीक है, एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स को हम प्रोसेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एमसीक्यू, takes one or more object file generated by a compiler or an assembler and combines them into a single executable file. देखिए क्या होते हैं आपके जितने भी compilers होते हैं, यानी कि जब भी आप C में programming लिख रहे हो या Java में programs लिख रहे हो तो आपके पास एक specific ID होता है, ठीक है, जिसमें आप उन programs को design करते हो। ठीक है, tools होते हैं ये समझ लीजिए। अब उसमें जब आप बनाते हो programs तो आप मान लीजिए कि मेरे पास एक program है, ठीक है, स्क्वेयर रूट फाइंड करने का, और मेरे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी यानी कि उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 की जगह मैं 25 कर लेता हूं, ठीक है, तो मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं स्क्वेयर रूट, मान लीजिए ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरे लिए स्क्वेयर रूट फाइंड करके देगा 25 का। अब मैं प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये यूज कर रहा हूं और एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं स्क्वेयर रूट, और इस स्क्वेयर रूट की जो प्रोग्रामिंग है वो कहां पे है, उस प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरी है वहां पे वो स्टोर है, यानी कि उसका कोड वहां पे स्टोर है। तो क्या करता है कंपाइलर, एक तो मेरे इस प्रोग्राम को वो किसमें चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, यानी कि मशीन कोड में, और ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन मैंने बना बनाया यूज किया है इसके कोड को भी ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, और दोनों को कंबाइल करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम आपका लिंकर करता है। फिर उसकी बारी, उसके बाद में बारी आती है लोडर की, फिर इस लिंकर ने जिन प्रोग्राम्स को, जिन फाइल्स को कंबाइन किया उसको लोडर लोड कर देता है, ठीक है, जिससे आपके सारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लोड किस में करता है, सीपीयू में। ठीक है, तो ये थे बच्चे आज के एमसीक्यूज, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स ए गुडान। गाइस, आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी होती है, ये तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे तीन कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को रन करने में या सिस्टम को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमारे पास आ जाते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके डिवाइस ड्राइवर्स, आपके जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एटसेट्रा, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मैं अगर बात करूं तो इसका जो मेन काम जो होता है वो सिस्टम को रन करना या उसको कंट्रोल करना नहीं है। इसका मेन काम होता है
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कि सिस्टम की को हेल्प करना उसकी मेंटेनेंस में, यानी कि जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी होगी वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे हमारा एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, सिस्टम को मेंटेन करता है ना, उसके अंदर कोई भी वायरस है उसको रिमूव करता है, ठीक है। दूसरा कंप्रेशन टूल्स, जितने भी कंप्रेशन टूल्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि विनजिप, विनजार, ठीक है, तो ये सेवन जिप, ये क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं डेटा को, तो इससे भी आपके सिस्टम को हेल्प मिलती है। दूसरा डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, ये भी जो एलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस हैं उनको एक साथ कंटिन्यूस फॉर्म में रखता है और जो फ्री स्पेसेस हैं उनको एक साथ में रखता है ताकि इजीली स्टोरेज हो सके। तीसरा, चौथा इसमें आ जाता है आपका डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या करते हैं, जो काफ़ी देर से यूज नहीं हो रही है जो एप्लीकेशंस या जो डेटा बार बार रिपीटेड हुआ है तो उसको आप क्या करता है, डिस्क क्लीनर इरेज कर देता है, कैश को इरेज करता है। तो ये सारा काम जो है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं ये सारी एप्लीकेशंस। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो एक्चुअल में यूजर के लिए काम देते हैं, जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जितनी भी एप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है कि कौन सा जर्नल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कौन सा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या स्पेशल पर्पज जिसको बोलते हैं। देखिए, जर्नल पर्पज वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या नेट से किसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है और वो आपके लिए कुछ जर्नल काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। वहीं अगर मैं कस्टमाइज्ड या स्पेशल पर्पज की अगर मैं बात करूं तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इजिली डाउनलोडेबल नहीं होते, जिसको यूज लोग जो हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही करेंगे, सिर्फ एक ही यूज के लिए वो उसको करेंगे, उसमें पूरा पैकेज आपको साथ में नहीं मिलता और ये इजी डाउनलोडेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वो एक पर्टिकुलर आदमी की नीड के मुताबिक ही या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, तो उसका यूज सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन करती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या रिजर्वेशन सिस्टम, इसका यूज सिर्फ कंपनीज ही करेंगी ना, आम लोगों के लिए इसका कोई काम नहीं है ना, तो इसके अंदर फीचर्स भी उसी कंपनी के अकॉर्डिंग ही रखे जाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के उनको हैंड ओवर कर देगा उनकी नीड के मुताबिक, जनरल लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंस नॉर्मल जर्नल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और आपके जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर में। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बोलता ये है कि इनमें से कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है, एंटीवायर वायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। वहीं स्प्रेडशीट हो गया, मल्टीमीडिया टूल्स हो गए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं आगे, द लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए, लैंग्वेज प्रोसेसर बोल लो या लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल लो, मतलब एक ही होता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर आप देख सकते हो आपके पास तीन कैटेगरी के पाए जाते हैं। इसमें आ जाता है बच्चे आपका कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, ठीक है, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो मेन काम जो होता है वो, क्योंकि प्रोग्राम्स जो भी लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो भी बनते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाए गए होते हैं,
तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि उन लैंग्वेज में लिखे हुए सॉफ्टवेयर को एक मशीन कोड में चेंज कर सके, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर सके, जिसको आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके देता है। तो यहां पे हमारे पास तीन किस्म के आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसर पाए जाते हैं, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। देखिए कंपाइलर जो होता है ना, ये एक साथ पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके उसका ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड में चेंज कर देगा एट वंस। वही इंटरप्रेटर का भी यही काम है, ये भी क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं, लाइन बाय लाइन। आप प्रोग्राम इसमें जब भी चेक होगा तो लाइन बाय लाइन चेक होगा और लाइन बाय लाइन उसकी कन्वर्जन होती जाएगी, किसमें, बाइनरी कोड में या मशीन कोड में, ठीक है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, कंपाइलर पूरा एक साथ पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड में चेंज कर देता है। वही असेंबलर का जो इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करने में किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे पूछा जाता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर डैट कन्वर्ट द इंटायर सोर्स कोड रिटन इन हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है या लैंग्वेज प्रोसेसर है जो एक साथ पूरा का पूरा कोड मशीन कोड में चेंज कर देता है, तो उसका आंसर है कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ, असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो डिबगर तो इसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर होते हैं, जो बग्स होते हैं, उनको फाइंड करने में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कंपाइलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पूछा गया है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। अभी मैंने आपको समझा दिया था पूरा का पूरा ट्रांसलेटर्स के बारे में कि इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन जो है सोर्स कोड को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो यहां पे लाइन बाय लाइन के लिए पूछा है तो यानी कि इंटरप्रेटर इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। देखिए हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती है ना, कुछ लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर को सपोर्ट करती हैं, यानी कि कंपाइल्ड लैंग्वेज मानी जाती हैं। कुछ लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज मानी जाती हैं, ठीक है। कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटेड मानी जाती हैं, ठीक है। अब कंपाइल्ड लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है सी, सी प्लस प्लस, कोबोल एटसेट्रा, ठीक है। ये कंपाइल्ड मोस्टली जो आपकी काफी साल पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं वो मोस्टली कंपाइलर सपोर्टेड थी, उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, यानी कि सी, सी प्लस प्लस और कोबोल जो है ये कंपाइल्ड है। वही इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इसमें जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस चल रही हैं आजकल, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट और साथ में आपकी जो क्या कहते हैं पीएचपी, तो ये सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। वही कुछ ऐसी लैंग्वेज भी होती है, कुछ नहीं बस एक ही है, उसका नाम है जावा। जावा क्या करती है कि वो दोनों को सपोर्ट करती है, जावा कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। तो यानी कि पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है, तो राइट आंसर जावा। सी प्लस प्लस तो सिर्फ कंपाइल्ड है, पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड है, कोबोल भी ये भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, जावा। जावा जो है ये दोनों को सपोर्ट करती है, ये कंपाइल्ड भी होती है और इंटरप्रेटेड भी होती है, यही एक लोती एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
Which of the following is an interpreted language? देखिए मैंने आपको पूरा समझा ही दिया पूरा concept interpreted language का, तो question देखो कितने easy हो गए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी interpreted language है, मैंने अभी बोला Python जो है ये आपकी interpreted है, C, C++ और COBOL ये compiled language कहलाती हैं। इसके बाद next बढ़ते हैं, computer aided design and computer aided manufacturing software। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडिड डिजाइन, ये मोस्टली आर्किटेक्ट यूज करते हैं डिजाइन बनाने के लिए, मैप्स बनाने के लिए, या कुछ 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना है तो उसके लिए ये काम आता है कंप्यूटर एडिड डिजाइन्स। वही कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं बेसिकली। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको कोई ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें कोई भी इंसान का रोल नहीं हो, वो ऑटोमेटिक काम करे थ्रू सॉफ्टवेयर, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर से की जाती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है, ऑटोमेटिक काम किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, यूटिलिटी में तो ये नहीं होंगे ना, क्योंकि ये यूजर्स के लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंडिंग द फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स एंड बग्स इन ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज ए प्रोसेस दैट इज टर्म्ड एज। देखिए जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी बग्स हैं, जितने भी डिफेक्ट्स हैं, जो एरर पाए जाते हैं, उसको डिटेक्ट करना वाले प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए टेस्टिंग जो होती है ना, टेस्टिंग बाद का प्रोसेस है, इसमें एरर फाइंड नहीं करते, इसमें हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं कि वो सच में काम कर रहा है ठीक तरीके से या नहीं, लेकिन एरर फाइंड करने उसको डिबगिंग बोला जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग तो आपको पता है, इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटर करता है और कंपाइलर कंपाइलिंग करता है। आगे बढ़ते हैं, Which is not an application software. Application software वो होते हैं जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, यूजर उसे यूज करता है। ठीक है, तो भाई MS Word को यूजर यूज करता है, Google को भी यूज करता है, Adobe भी यूजर के लिए है, लेकिन Turbo C compiler जो है ये यूजर के लिए नहीं है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि C लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, ये कंपाइलर है, ये सी लैंग्वेज को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में। तो राइट आंसर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो है टर्बो सी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने बताया जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज इंटरमीडियरी serves as a bridge between the computer user and the hardware of the computer. देखिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक किस्म का इंटरमीडियरी का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। देखिए आपके फोन्स लैपटॉप्स में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर इंस्टॉल रहता है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उस ना ही लैपटॉप को यूज कर पाओगे, ना ही उस फोन को यूज कर पाओगे। तो डैट मींस कौन सा एक इंटरफेस का काम करता है, एक इंटरमीडियरी का काम करता है? तो राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू, यहां पे विच टर्म्स रेफर्स टू वन और मोर एरर डैट अकर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड स्टॉप देम फ्रॉम फंक्शनिंग। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक या एक से ज्यादा एरर अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जो कि उस प्रोग्राम को एक प्रॉपर वे में काम करने से रोकते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बग। ठीक है, डिबगिंग करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी छोटा मोटा एरर आता है तो उसको बोलते हैं बग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बग जो होता है वो इसका आंसर। आगे डिवाइस ड्राइवर, देखिए बहुत से बच्चों को डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि एक हायरार्की में डिजाइन करता हूं यहां पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, वो ये है। देखिए बच्चे यहां पे देखिए सबसे नीचे जो रहता है, पहले मैं यहां पे आता हूं,
ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ गई। हाँ देखिए, अब हम किसको समझने जा रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर की वर्किंग, कि डिवाइस ड्राइवर क्या करता है। ठीक ठीक है, देखो नीचे सबसे होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपके क्या क्या आ गए, आपका माउस आ गया, ठीक है, आपके कीबोर्ड आ गए, आपके मॉनिटर्स आ गए, स्पीकर्स आ गए, सीपीयू आ गया, मेमोरी आ गया, जो भी चीज़ें आपकी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में लाई करती हैं वो सारी इसमें आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो होता है आपका, वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है बारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं OS लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आती है बारी किस किस की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितनी भी एप्स हैं, और साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब इन सबको के ऊपर आ जाते हैं आपके यूजर्स, ठीक है, क्या जाते हैं, यूजर्स। देखिए मान लीजिए कि एक यूजर ने कैमरा को यूज करना है फोन पे, ठीक है, कैमरा, कैमरा क्या है आपका, हार्डवेयर। अब आपके फोन के अंदर कैमरा की एप्लीकेशंस होती हैं, सभी फोन में होती हैं आजकल, तो आप क्या करते हो कि उस कैमरा का जो आइकन बना हुआ है, जो एप्लीकेशन है, उसको आप स्टार्ट करते हो, उसको आप ओपन करते हो। तो जैसे ही आप उस ऐप से, क्योंकि यूजर किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है, एप्लीकेशंस के थ्रू, कौन सी एप्लीकेशन, कैमरा की एप्लीकेशंस। अब वो एप्लीकेशन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, एप्लीकेशंस, वो जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि दूसरे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर, उसको वो क्या करता है, उसका यूज करके एप्लीकेशंस के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको बाइनरी कोड में, यानी कि मशीन कोड में चेंज करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन मशीन कोड की फॉर्म में किसके पास जाती है, डिवाइस ड्राइवर के पास जाती है, और डिवाइस ड्राइवर फर्दर वो काम किससे करवाता है, कैमरा से, और इस तरीके से आप कैमरे को एक्सेस करते हैं। यानी कि डिवाइस ड्राइवर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो माना जाता है ना कि सभी हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बिना डिवाइस ड्राइवर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर जो है ये इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, ठीक जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि डिवाइस ड्राइवर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू पे। पूछा गया है डिवाइस ड्राइवर इज ए पोर्ट दैट कनेक्ट्स द डिवाइस एंड द सिस्टम। देखिए पोर्ट तो नहीं है, ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। डिसकंप्रेशन तो ये करता नहीं है, ठीक है, और डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी नहीं करता, ये दोनों तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करता है या इंटरफेस का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिसको आप इजिली डाउनलोड नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता के लिए वो नहीं बनाए जाते हैं। तो इसमें रिजर्वेशन सिस्टम, ये आपका स्पेशल पर्पज हो गया, अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है, ये भी आपका स्पेशल पर्पज हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग तो जनरल पर्पज है, इसको तो आप इजी डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, तो यानी कि ये आपका राइट आंसर। और रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ये भी आपका स्पेशल पर्पज है। तो हमने ये फाइंड करना था कि कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है, तो नहीं वाला कौन सा केस आ गया यहां पे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि एमएस वर्ड। अच्छा, अब यहां पे ये पूछा गया हुआ है नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से किस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। देखिए डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट्स
यानी कि आपका जो एम एस एक्सेल है, ठीक है, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एम एस वर्ड, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन एम एस डॉस तो बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में थोड़ी ना आएगा। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? राइट आंसर एम एस डॉस। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू ये पूछता है, विच प्रोग्राम इज यूज टू कंट्रोल द सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम्स जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस्टम एप्लीकेशंस जो होती हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सिस्टम को रन करने में और उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि यही पूछता है कि कौन करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल। तो राइट आंसर आपका आ गया सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। डैश रन्स अंडर द सिस्टम प्रोग्राम्स एंड आर मेड टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। यानी कि देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या इंस्टॉल करते हो? अपनी एप्लीकेशंस। तो राइट आंसर क्या है? आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो इसको ये किसके कंट्रोल के अंदर काम करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंट्रोल के अंडर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के अंडर। और ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करके देते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपका वो आता है, द डैश इंक्लूड्स अ प्रोग्राम दैट डू रियल वर्क फॉर द यूजर। देखिए, एक्चुअल में काम कौन करता है, इसलिए इसका जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आपका होमवर्क है, इसलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं 16 का, ठीक है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कौन से प्रोग्राम है जो कि असल में काम करते हैं यूजर के लिए, ठीक है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 17। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपको सबसे पहले ही बताया था मैंने, सबसे पहले बात ही इस पे की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब यहां पे एमसीक्यू नंबर 18 पे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज निमोनिक्स आर यूज सम इंग्लिश शॉर्ट वर्ड्स लाइक एड सब मूव। देखिए, सबसे पहले जो होती थी वो आपकी मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी आमतौर पे, उसको उसके थ्रू प्रोग्राम बनाना, क्योंकि 0101 में प्रोग्रामिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो फिर प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए एक असेंबली लैंग्वेज बनाई, यानी कि उसमें कुछ कोड्स जो होते थे, कुछ निमोनिक्स, कुछ शॉर्ट वर्ड्स इंग्लिश के, वो यूज किए गए थे। यानी कि ऐड करने के लिए उनको बार बार उसको बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती थी, उन्होंने पहले से ही कुछ फिक्स सिंबल का यूज किया जा रहा था ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। तो ये सारे निमोनिक्स जो हैं ये असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज निमोनिक्स, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। What do you call a program in execution? कह रहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे ही प्रोग्राम लोड होता है सीपीयू में, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस दौरान उस प्रोग्राम का नाम बन जाता है प्रोसेस। ठीक है, एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स को हम प्रोसेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एमसीक्यू। Takes one or more object file generated by a compiler or an assembler and combines them into a single executable file. देखिए क्या होते हैं आपके जितने भी compilers होते हैं, यानी कि जब भी आप C में programming लिख रहे हो या Java में programs लिख रहे हो, तो आपके पास एक specific ID ही होता है, ठीक है, जिसमें आप उन programs को design करते हो, ठीक है, tools होते हैं ये समझ लीजिए। अब उसमें जब आप बनाते हो programs, तो आप मान लीजिए कि मेरे पास एक program है, ठीक है, स्क्वेयर रूट फाइंड करने का, और मेरे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी यानी कि उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 की जगह मैं 25 कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं स्क्वेयर रूट, मान लीजिए ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, मेरे लिए स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा 25 का। अब मैं प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये यूज कर रहा हूं और एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट की जो प्रोग्रामिंग है वो कहां पे है, उस प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरी है वहां पे वो स्टोर है, यानी कि उसका कोड वहां पे स्टोर है। तो क्या करता है कंपाइलर, एक तो मेरे इस प्रोग्राम को वो किसमें चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, यानी कि मशीन कोड में, और ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन मैंने बना बनाया यूज किया है इसके कोड को भी ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, और दोनों को कंबाइल करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम आपका लिंकर करता है। फिर उसकी बारी, उसके बाद में बारी आती है लोडर की। फिर इस लिंकर ने जिन प्रोग्राम्स को, जिन फाइल्स को कंबाइन किया उसको लोडर लोड कर देता है, ठीक है, जिससे आपके सारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लोड किस में करता है, सीपीयू में, ठीक है। तो ये थे बच्चे आज के एमसीक्यूज, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, बाय।